मैं बी आर चौधरी, केमिस्ट्री फैकल्टी सी एल सी सीकर, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेन 2020 जनवरी फेज़ का पेपर, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन। ये 8 जनवरी का पेपर है, इवनिंग शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का। कंसिडर द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट वर्सेज 1/T फॉर 4 डिफरेंट रिएक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ दीज रिएक्शंस? लॉग बेस 10 के एंड 1/T। लॉग बेस 10 के इक्वल होता है, लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ई माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आरटी। द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर, एंड द एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप इन सी इज मैक्सिमम, फॉर रिएक्शन सी इज मैक्सिमम, एंड स्लोप फॉर रिएक्शन बी इज मिनिमम। फर्स्ट सी, देन ए, देन डी, एंड लास्ट बी। मीन्स द ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज ई सी, देन ई ए, ई डी, एंड लास्ट में ई बी। सो करेक्ट ऑर्डर इज ई सी मैक्सिमम एंड ई बी मिनिमम। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग एसरेशन एंड रीजन द करेक्ट ऑप्शन इज इज द पीएच ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड आर इज द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट है फॉर प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर पीएच ऑलवेज इक्वल टू पीओएच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के डब्ल्यू इंक्रीजेज, सो पी के डब्ल्यू डिक्रीजेज। सो बोथ पीएच एंड पीओएच, बोथ पीएच एंड पीओएच डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो ई इज इनकरेक्ट, ई इज फॉल्स। नेक्स्ट आर देखते हैं, द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, नॉट एक्सोथर्मिक। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बोथ ई एंड आर फॉल्स, एंड द ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ आर करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेक्स्ट क्वेश्चन द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस ए नॉट इन एल आई प्लस टू इज, द रेडियस सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ एल आई प्लस टू, आर एल आई प्लस टू इन सेकेंड ऑर्बिट, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड इन टू ए नोट। ए नोट बोर रेडियस है, एन स्क्वायर एन की पावर टू नोट एन टू, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड इन टू ए नोट। फॉर सेकेंड ऑर्बिट एन इज इक्वल टू टू, सो एन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, एंड एटॉमिक नंबर फॉर एल आई प्लस टू इज थ्री इन टू ए नोट। सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, फोर ए नोट बाई थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दब रहे हैं, हाइड्रोजन हैज थ्री आइसोटॉप्स ए बी एंड सी, इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली आर एक्स वाई एंड जेड, द सम ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज, द थ्री आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन इज 1H1, 1H2 एंड 1H3। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन फर्स्ट आइसोटॉप 0, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
Number of neutron in first isotope 0, number of neutron in second isotope 1, number of neutron in second isotope 2. The sum of small x, small y and small z is 3. So, option 4 is correct. Next question. Geldol's method can't be used to estimate nitrogen for which of the following compound? Geldol method is a good method for estimation of nitrogen, but Geldol method is not used for nitro, nitroso and azo compounds. Means Geldol method is used for estimation of nitrogen in these compounds in which nitrogen attached with carbon or hydrogen. So, in urea, Geldol method used. In aniline, Geldol method used. For nitrobenzene, nitrosobenzene, Geldol method not used for estimation of nitrogen. Iske liye bhi Geldol method use hogi. So, option 3 is correct. Geldol method is not used for estimation of nitrogen in nitrobenzene. Next question. In next question, which of the following compound is likely to show both Frenkel and Schottky defect in its crystalline form? In AgBr, AgBr exhibits both Frenkel as well as Schottky defect. So, answer is AgBr. Next question. In next question, at constant volume, 4 mole of an ideal gas, when heated from 300 Kelvin to 500 Kelvin, changes its internal energy by 5000 joule. The molar heat capacity at constant volume is Cv find out karna hai. Delta E is equal to nCv delta T. nCv delta T. Delta E is 5000 joule. Number of moles 4. Cv find out karna hai. Delta T 300 Kelvin to 500 Kelvin, delta T is 200. Cv is equal to 5000 by 800. Cv is equal to 6.25. So, answer is 6.25. Next question. In next question, NaClO3 is used even in spacecrafts to produce oxygen. The daily consumption of pure oxygen by a person is 492 liter at 1 atm and 300 Kelvin. How much amount of NaClO3 in grams is required to produce oxygen for the daily consumption of a person at 1 atm and 300 Kelvin? Reaction given hai. First, ऑक्सीजन के मोल फाइंड आउट करेंगे तो NO2 इज इक्वल टू वॉल्यूम दे रखा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर डेली कंजप्शन इज 492 लीटर एट 1 एटीएम ये पी है ये वी है डिवाइड करेंगे आर से ये आर है 0.0821 इन लीटर एटीएम आर की वैल्यू दे रखी है 0.082 इनटू T 300 moles of oxygen is 20 for 20 moles of for production of 20 mole oxygen the moles of NaClO3 required is 20 so moles of NaClO3 is equal to 20 mass of NaClO3 is equal to 20 into molar mass of NaClO3, 106.5. So, answer is 2130 gram. Answer is 2130 gram. Next question. In next question, for an electrochemical cell, tin SN, SN plus 2, salt breeze, PB plus 2, PB. The ratio of SN plus 2, PB plus 2 when this cell attain equilibrium is.
given E naught for Sn plus 2 Sn, E naught Pb plus 2 Pb, and the value of 2.303 RT by F is equal to E is equal to E naught, E cell is equal to E naught cell minus 0.06 by N log base 10 active mass of product upon my active mass of reactant. In this cell, the cell reaction is Sn plus Pb plus 2 convert into Sn plus 2 plus Pb. E naught cell is equal to E naught cell is equal to E naught C minus E naught A. E naught C. Reduction potential of cathode. The reduction potential of cathode is minus 0.13 minus the reduction potential of anode minus 0.14. So E naught cell is 0.01 volt. E cell is equal to E naught cell minus 0.06 by N log base 10 active mass of product upon my active mass of reactant. At equilibrium, E cell is equal to 0. At equilibrium, E cell is equal to 0. So E naught cell is equal to ye aa jayega. E naught cell is equal to 0.06 upon my N. The value of N is Sn convert ho raha Sn plus 2 mein. Number of transferred electron is 2. So N is equal to 2 log base 10 active mass of product Sn plus 2. The active mass of lead in solid state is 1. So the active mass of Sn plus 2 upon me active mass of Pb plus 2. E naught cell is 0.01 is equal to 0.03 log base 10 Sn plus 2 upon me Pb plus 2. 1 by 3 is equal to log base 10 Sn plus 2 upon me Pb plus 2. Anti log of 0.33 is, so the ratio of Sn plus 2 upon me Pb plus 2 is 2.15. Hello student, myself R.C. Deiwal, senior chemistry faculty CLC Sikar. आज हम डिस्कस करेंगे 8 जनवरी 2020 को जेई मेन का जो पेपर हुआ था, इवनिंग शिफ्ट का पेपर है. इसमें हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे. लेट्स सी क्वेश्चंस देखते हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है. व्हाइट फॉस्फोरस ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेट एनियोज सॉल्यूशन एन इनर्ट एटमोसफेयर ऑफ CO2 गिव्स फॉस्पिन. फॉस्पिन यूनो की फॉस्पिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PH3 एंड कंपाउंड अक्स. PH3 के साथ एक दूसरा कंपाउंड अक्स दे रहा है. अक्स ऑन एसिडिफिकेशन विथ HCl गिव्स कंपाउंड वाई. द बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड वाई इज. जो प्रॉब्लम है वो बिलोंग करती है पी ब्लॉक से. यू नो वेल नोन रिएक्शन है कि P4 ये वाइट फॉस्फोरस है, रिएक्ट करता है NaOH सॉल्यूशन से. तो रिएक्शन जो होगी 3NaOH प्लस 3H2O इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट एटमोसफेयर. और जो इनर्ट एटमोसफेयर लिया है वो CO2 का लिया है. जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा PH3 जिसको फॉस्पिन बोला हुआ है. और साइड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaH2 और ये PO2. दिस कंपाउंड इसको हम अक्स बोलेंगे. और इस कंपाउंड का जो नेम है वो है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट. नाउ आगे फर्दर एसिडिफिकेशन विद HCl. इसका हम एसिडिफिकेशन करवाते हैं, HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं. तो एसिड बनेगा, फॉर्मूला होगा H3PO2, नेम है फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इसका नेम है. और इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो ये वाली स्ट्रक्चर होगी OH और ये H और ये H.
हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कम जो अक्स जो प्रोडक्ट बना है उसकी बेसिसिटी कितनी है, तो वन OH ग्रुप है, दैट मीन्स क्लियर है कि इस कंपाउंड की जो बेसिसिटी है वो वन है। चेक करते हैं ऑप्शन में, तो वन दिया हुआ है आपको थर्ड ऑप्शन में, दैट मीन्स करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं उनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यू नो कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन एन प्लस टू और रूट बोर मैग्नेटोन, जहां एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को, एन जो है वो है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लियर है कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, तो हमें बेसिकली अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करने होते हैं। जो सबसे पहला कंपाउंड दिया हुआ है वो दिया हुआ है एन आई सी ओ फोर निकिल टेट्रा कार्बोनिल, आपको ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। यू नो कि यहाँ निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो में है, दैट मीन्स जीरो में है तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन यू नो कि 10 इलेक्ट्रॉन पेड रहेंगे, अनपेड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स के लिए है वो आएगी जीरो। सेकेंड कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है एन आई एच टू ओ और ये 6 देन सी एल टू, यहाँ निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस टू में निकिल है, और प्लस टू में निकिल है तो निकिल का कॉन्फिगरेशन होता है 3d8 4s2, दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज कर चुका है, तो यहाँ आपके पास टोटल जो है 3d8 कॉन्फिगरेशन, दैट मीन्स हुआ 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हम H2O की बात करें तो H2O वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो सिंपल हुंस रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो ये T2g हुआ और ये वाला Eg हुआ। हमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स यहाँ से अपने पास जो N की वैल्यू आ रही है वो इस सेकेंड कॉम्प्लेक्स के लिए 2 आ रही है, इट इज हैव 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। थर्ड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो थर्ड दिया हुआ है Na2NiCN4, और जो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है PdCl2PPH3 का होल ट्वाइज। यू नो कि यहां भी निकिल जो है वो प्लस टू में है, और इस कॉम्प्लेक्स में पैलेडियम जो है वो भी प्लस टू में है, बट अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो जो एन की वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। पैलेडियम है वो, और हमें ये भी पता है कि 4d और 5d मेटल के साथ सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, तो यहाँ ये लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ भी जो एन की वैल्यू आने वाली है वो जीरो आने वाली है। हमें क्वेश्चन में यही बताना था कि इनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो मैंने बोला कि आप एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, एन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमने एन की वैल्यू इसके लिए कैलकुलेट करी तो जीरो आई थी, इसके लिए कैलकुलेट की तो एन की वैल्यू 2 आई थी, इसके लिए कैलकुलेट की तो जीरो आई थी, और इसके लिए भी जीरो आई थी। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो बी कॉम्प्लेक्स का होगा, क्या बी कहीं लास्ट में ऑप्शन में दिया हुआ है बी, बाकी सबका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल आएगा क्योंकि सबके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर शुड बी फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, दो रिएक्शन मिक्स की है, कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन, इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्स एब्जॉर्ब्स 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑन कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब उस कंपाउंड का यदि आप कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो वो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, एंड ऑल्सो गिव फॉलोइंग रिएक्शन, और वो कंपाउंड फॉलोइंग रिएक्शन भी देता है। तो सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो अगर यहाँ 2H2 करेगा तो ये डबल बॉन्ड इसका रिडक्शन होगा, मतलब ये भी 2 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम कर रहा है। सेकंड की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होगा, इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा, ये भी 2 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम कर रहा है। थर्ड की बात करें तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड है तो ये भी 2 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम कर रहा है।
अगर इस कंपाउंड की बात करें तो यहां भी दो डबल बॉन्ड है, ये भी 2 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम्ड कर रहा है, मतलब इस इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, बिकॉज जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी 2 मोल हाइड्रोजन को कंज्यूम कर रहे हैं। हम रिएक्शन को चेक करते हैं कि अगर आप एक्स जो कंपाउंड है उसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाओगे, मैं बता देता हूं कि इस रिएजेंट का जो फंक्शन है वो है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाता हूं, मैं लिख रहा हूं RO, समझ जाएं कि RO का मतलब है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो यहां से अगर ये कंपाउंड रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेगा तो इस कंपाउंड के रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से एक तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, साइड में जो कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा CO और इधर बनेगा CO और ये H और इधर से 1, 2, ये 3, ये 4 और ये बन जाएगा COH। तो यहां से देखें उसके बाद AgNH3+ ये रिएजेंट है टोलेंस रिएजेंट, और टोलेंस रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है, यू नो सिल्वर मिरर टेस्ट है, वेल नोन टेस्ट है एल्डिहाइडिक ग्रुप का। तो ये टोलेंस रिएजेंट है और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। तो आगे अगर मैं इस कंपाउंड की टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप, दोनों एल्डिहाइडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो यहां ये बनेगा CO, यहां आपके पास कार्बन है 1, 2, 3 और ये 3 कार्बन, और फिर इधर वाला एल्डिहाइडिक ग्रुप भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लेट सी जो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके बाद जो बन रहा है वो बन रहा है 3 ऑक्सोहेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 6 कार्बन है, इधर से नंबरिंग होगी 1, 2, ये 3, ये 4, 5, 6, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, बट ऑक्सो 3 नंबर पे नहीं है, बी जो बनना चाहिए उसमें ऑक्सो 3 नंबर पे आना चाहिए, इसमें जो ऑक्सो है वो 2 नंबर पे है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी हम सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, अगर सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे तो सेकंड ऑप्शन में इसका मैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाऊंगा तो यहां से ब्रेक होगा और यहां से ब्रेक होगा, तो ये CO, ये CH2, ये CH2 और ये CH2 और ये CHO और इधर भी जनरेट हो गया CHO। तो हम यहां भी देख पा रहे हैं कि ये भी एल्डिहाइडिक ग्रुप में टोलेंस रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन होगी तो ये दोनों ही ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे तो वही 2 नंबर पे यहां भी क्या है ऑक्सो है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन की बात करता हूं तो इसका अगर मैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाऊंगा तो इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाने पे इधर डबल बॉन्ड ओ जनरेट हो जाएगा और यहां और यहां यहां ये डबल बॉन्ड ओ जनरेट हो जाएगा, और ये कंपाउंड जो बना है वो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से बना है, कीटो ग्रुप आ गया और कीटो ग्रुप टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, तो थर्ड भी पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट पॉसिबल नहीं था, अभी एक्सप्लेन किया था, सेकंड पॉसिबल नहीं है, दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहा है, थर्ड पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन आगे तक जाएगी नहीं। अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की तो फोर्थ को अगर चेक करते हैं तो मैं इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाता हूं, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाने पर यहां जो कंपाउंड जो पहले बनने वाला है वो ये बनने वाला है कि इधर आ जाएगा CHO, इधर आ गया डबल बॉन्ड O और इधर आपके पास ये वाला ग्रुप और इधर वापस से CHO। अब अगर मैं इसका टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये दोनों ग्रुप जो CHO वाले दोनों ग्रुप हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा COH डबल बॉन्ड O और ये वाला यहां से भी ये COH। अब अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 नंबर पे ऑक्सो आया है, तो इसका मतलब 3 ऑक्सो हेक्जेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो बन रहा है वो फोर्थ में बन रहा है, तो करेक्ट आंसर शुड बी फोर्थ एंड फोर्थ इज करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनकी रेडियाई का ऑर्डर पूछा है।
तो सबसे पहले दो तीन चीजें आपको रेडियाई के बारे में पता होना चाहिए कि एक तो हम रिलेशन ये पढ़ते हैं कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता है, जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो साइज डिक्रीज होती है। एक हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ अगर सेल इंक्रीज होंगे तो साइज भी इंक्रीज होंगी। तो हमें जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनको हम चेक करते हैं। तो एक एलिमेंट दिया हुआ है कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तीनों ही सेकंड सेल एलिमेंट है, मतलब टू सेल रखते हैं। क्लोरीन दिया हुआ है और ब्रोमीन दिया हुआ है, ब्रोमीन जो है वो फोर सेल रखता है क्योंकि फोर्थ पीरियड का है, सीएल जो है वो थर्ड सेल रखता है। तो मैंने बोला नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगी, दैट मींस ये यहां से क्लियर हो गया कि सीएल और बीआर का साइज कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। अब सीएल और बीआर की अगर हम बात करें तो बीआर का साइज सबसे बड़ा है, उसके बाद सीएल का, क्योंकि बीआर के पास फोर सेल है। अब बात करते हैं कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन की, तो यू नो कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रेडियाई भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जो सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई रखने वाला एलिमेंट है वो कार्बन है, तो उसके बाद कार्बन आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा और उसके बाद फ्लोरीन आएगा, ये ऑर्डर आएगा। अब अगर हम बात करें ऑप्शन को चेक करें तो कार्बन को उन्होंने ए बोला है, ऑक्सीजन को बी से रिप्रेजेंट किया है, फ्लोरीन को सी से रिप्रेजेंट किया है, क्लोरीन को डी से रिप्रेजेंट किया है और ब्रोमीन को ई से रिप्रेजेंट किया है। सबसे बड़ा साइज ई का है, तो आप ई ऑप्शन में देखें, ई यहां चारों में ई दिया हुआ है, फिर दो नंबर पे डी आएगा तो डी इसमें भी है और डी फर्स्ट में भी है, उसके बाद ए आएगा, तो ए की बात करें तो ए यहां आ रहा है, उसके बाद बी ऑक्सीजन आएगा, दैट मींस करेक्ट आंसर शुड बी फर्स्ट, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। सिंपल सा प्रॉब्लम था, पीरियोडिक टेबल से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें यह भी एस ब्लॉक से प्रॉब्लम बिलोंग कर रही है। ए मेटल ए ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक कंपाउंड बी बना रहा है। बी ऑन ट्रीटमेंट विथ H2O गिव कलरलेस गैस, और एक कलरलेस गैस दे रहा है, विच वेन पास्ड थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन, डार्क ब्लू वॉयलेट कलर्ड सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि CuSO4 से ये जो रिएजेंट यूज में आता है, यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ NH3, ये जो है वो NH3 के डिटेक्शन में यूज आता है। और हमें यहां बोला भी हुआ है कि जो कलरलेस गैस आई है, इसका मतलब ये कलरलेस गैस क्या है, NH3 है। ऑप्शन चेक करते हैं कि NH3 उस कंपाउंड ए से बनेगी, तो वो कैसे बनेगी, तो सबसे पहले जो मेटल है, साइडिंग ऑप्शन को देखें, अब मेटल जो है वो मैग्नीशियम, अगर मैं मेटल लेता हूं तो वो रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से टेम्परेचर पे हीट की प्रेजेंस में, और पहले बनाएगा Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइट, तो फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगा इस कंपाउंड का H2O की प्रेजेंस में, तो बनेगा 3MgOH का होल ट्वाइज प्लस 2NH3। तो ये कलरलेस गैस है। उसके बाद तो हमें बोला कि नाइट्रोजन गैस गिव कंपाउंड बी, तो ये हमारा बी कंपाउंड आ गया है और ये मेटल अपना ए आ गया है, और इस कंपाउंड की कलरलेस गैस की रिएक्शन यदि मैं CuSO4 से करवाऊंगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और कॉम्प्लेक्स बनेगा CuNH3 और ये 4 और ये SO4, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो होगा डार्क ब्लू वॉयलेट कलर, डार्क ब्लू वॉयलेट कलर का होगा। इसका मतलब आंसर जो होगा वो सेकंड होगा मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम नाइट्राइट, सेकंड आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से बिलोंग करता है वो टू मोनोमर इज माल्टोज आर, क्वेश्चन बिलोंग करता है बायोमोलिक्यूल से और माल्टोज जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज, दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट अगर C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बॉन्डेड होती है तो माल्टोज बनता है। माल्टोज डाइसेकेराइड है और ये डाइसेकेराइड
टू एल्फा डी ग्लूकोज से इसका फॉर्मेशन होता है. तो एल्फा डी ग्लूकोज फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अमंग द कंपाउंड ए एंड बी विथ मोलिकुलर फॉर्मूला, कि कंपाउंड का जो मोलिकुलर फॉर्मूला वो है C9H18O3, ए इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बी. आप यहां ध्यान दें कि ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से ज्यादा होना चाहिए. द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी. तो देखें यहां पे, यहां ईथर ग्रुप है, यहां एल्कोहल ग्रुप है, तो एल्कोहल वाले ग्रुप में एच बॉन्डिंग होगी. तो इसका मतलब इस फर्स्ट पेयर में बी का मल्टिंग पॉइंट ए से ज्यादा होगा. तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है हमें कि ए का मल्टिंग पॉइंट बी से ज्यादा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बी से ज्यादा होना चाहिए. सेकंड की बात करें, सेकंड पेयर में यहां भी एल्कोहल है, यहां भी एल्कोहल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में ही पॉसिबल है. बट आप यहां देखें, यहां पे सरफेस एरिया बढ़ा है, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डेर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी. तो इस कंडीशन में भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम है दोनों में, बट यहां सरफेस एरिया बढ़ने से वैन डेर वाल्स फोर्स बढ़ गया, इसलिए यहां भी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बी का ए से ज्यादा होगा. थर्ड ऑप्शन को चेक करें, तो ए में ईथर ग्रुप है, यहां एल्कोहलिक ग्रुप है, तो यहां भी यही पता लग रहा है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें नहीं है, तो यहां भी बी का ए से ज्यादा होगा. अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें, तो यहां ईथर ग्रुप है, यहां एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसमें एच बॉन्डिंग है, और यहां एच बॉन्डिंग नहीं है, दैट मीन्स ए का बॉइलिंग पॉइंट फोर्थ ऑप्शन में बी से ज्यादा होगा. तो करेक्ट आंसर शुड बी फोर्थ, और फोर्थ ही करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट प्रोसेस वाया रिएक्शन. पॉलीमर वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है. तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो बेकेलाइट है वो है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर. बेकेलाइट जो है वो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर है. तो देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है इसका, कि फिनोल जो है, फिनोल की रिएक्शन आप फॉर्मेल्डिहाइड से एसिडिक मीडियम ले लो या फिर बेसिक मीडियम ले लो. यहां ए आर एस ई, दैट मीन्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ओ एच सी एच टू ओ एच, या पॉसिबल है, डिपेंड करेगा कि फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का कितना रेशियो आपने ले रखा है, किस रेशियो में दोनों को ले रखा है. दोनों जगह ये ग्रुप जुड़ सकता है, या फिर पॉसिबल है ये वाला भी बन सकता है. तो ये तो क्लियर हो गया कि पहले जो बनता है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बना है. उसके बाद यहां से अगर ये यूनिट जो जुड़ती है वो कंडेंसेशन के द्वारा जुड़ती है, H2O बाहर होता है और बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है. इसका मतलब पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, उसके बाद डिहाइड्रेशन हुआ है. तो देखें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है. दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज थर्ड. थर्ड करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, केजाल्स मेथड कैन नॉट बी यूज टू एस्टिमेट नाइट्रोजन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, 11th NCERT में थ्योरी इसकी दी हुई है. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि केजाल्स मेथड है क्या. नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देते हैं, बट कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये टेस्ट ऑपरेट नहीं करते हैं. इफ नाइट्रोजन प्रेजेंट एज ए नाइट्रो ग्रुप एज ए एजो ग्रुप एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन साइक्लिक स्ट्रक्चर.
यदि नाइट्रोजन एज ए नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, एजो ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप का मतलब NO2 ग्रुप है, एजो ग्रुप का मतलब N डबल बॉन्ड N है, और यदि नाइट्रोजन साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब पायरोल हो गया, पिरिडीन हो गया, तो ये टेस्ट ऑपरेट नहीं होता है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं कि यहाँ एमाइड है तो एमाइड केजाल्स मेथड देगा, क्योंकि नाइट्रोजन इन तीनों कंडीशन के बिना है। एनिलीन की बात करते हैं तो एनिलीन भी ये टेस्ट देगा। यहाँ नाइट्रोजन एज ए नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देगा, ये वाला कंपाउंड नहीं देगा, और यहाँ साइनाइड के रूप में प्रेजेंट है तो ये टेस्ट ऑपरेट कर देगा। क्वेश्चन में हमें ये पूछा हुआ है कि केजाल्स मेथड कैन नॉट बी यूज टू एस्टिमेट नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन के लिए हम थर्ड कंपाउंड को यूज में नहीं ले सकते एज ए नाइट्रो कंपाउंड, ये अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा। बाकी आप इस क्वेश्चन की थ्योरी देखिए एनसीईआरटी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड आंसर करेक्ट होगा, थर्ड कंपाउंड केजाल्स मेथड ऑपरेट नहीं करेगा, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अमंग द रिएक्शन ए टू डी आपको चार रिएक्शन दी हुई है, दे डज नॉट अकर इन द ब्लास्ट फ्यूरनेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, कि कौन सी रिएक्शन आयरन के एक्सट्रैक्शन के दौरान ऑपरेट नहीं होगी। क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है मेटलर्जी से, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है सिलिका से और बनाता है कैल्शियम सिलिकेट, ये स्लेग आउट है रिएक्शन का, तो ये रिएक्शन तो ऑपरेट होती है। बात करते हैं Fe2O3CO Fe3CO, यहाँ CO रिड्यूसिंग एजेंट है जो Fe2O3 को रिड्यूस कर रहा है Fe3O4 में, ये रिएक्शन भी होती है। बट इस रिएक्शन की बात करें कि C रिएक्शन अगर हम देखें तो यहाँ आपको दिया हुआ है FeOSiO2, बट हमें पता है कि ब्लास्ट फ्यूरनेस में जितना Fe है वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया है और Fe2O3 SiO2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब ये वाला स्लेग फॉर्मेशन नहीं होता है। रीजन ये है कि Fe2O3 में कन्वर्ट हो चुका है और Fe2O3 में कन्वर्ट हो चुका है तो Fe तो अपने पास रिमेनिंग है ही नहीं, तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, तो एक तो ये रिएक्शन नहीं होगी। एक हम बात करें कि Fe का डिकम्पोजन हुआ है Fe+ ½O2 में, तो डिकम्पोजन नहीं होता Fe का, इसका ऑक्साइड थर्मली स्टेबल होता है, ये पॉसिबल नहीं है। Fe कन्वर्ट होता है Fe2O3 में, Fe2O3 रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स ये रिएक्शन भी ऑपरेट नहीं होगी। हमें ये पूछा है कि कौन सी रिएक्शन नहीं होती है, तो इसका मतलब सी और डी रिएक्शन ऑपरेट नहीं होती है। आंसर चेक करेंगे सी और डी दिया हुआ है हमें फोर्थ ऑप्शन में, दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ होगा। अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, कुछ बॉन्ड दिए हुए हैं, उनको बॉन्ड एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको जो दिए हुए हैं वो दिया हुआ है कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन। तो इन बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखेंगे, हमें पता है बॉन्ड एनर्जी पूछा है, तो जहां जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। और बॉन्डिंग अगर स्ट्रेंथ देखे बॉन्ड की, तो यहां देखो कार्बन का 2p और फ्लोरीन का 2p, यहां 2p 2p ओवरलैपिंग हुई है, यहां कार्बन का 2p और क्लोरीन का 3p, यहां 2p 3p ओवरलैपिंग हुई है, यहां कार्बन का 2p और ब्रोमीन का 4p 2p 4p ओवरलैपिंग हुई है, यहां 2p कार्बन का और 5p ओवरलैपिंग हुई है। यू नो कि कार्बन का 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी हेलोजन का फ्लोरीन के साथ 2p है, क्लोरीन के साथ 3p है, Br के साथ 4p है और I के साथ 5p है। जैसे जैसे मैं बात करूं हेलोजन की साइज बढ़ रही है, अगर मैं यहां लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो यहां 2p है, यहां हेलोजन का 3p है, यहां 4p है और यहां 5p है, दैट मीन्स साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज होगी तो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, और अगर ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो कार्बन फ्लोरीन के लिए होगी। हमें पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कार्बन फ्लोरीन की होगी, उसके बाद कार्बन क्लोरीन की, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन की, उसके बाद कार्बन आयोडीन की, दैट मीन्स करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। बॉन्डिंग से कनेक्टेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
Among A to D, यहाँ भी आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं that can display geometrical isomerism R. कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और कॉम्प्लेक्स में से पूछा है कि इनमें से कितने कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कौन से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे. क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, 12th एनसीईआरटी. तो अगर बात करें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की, तो पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो है PtNH3 होल थ्राइज और Cl. हम सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका DSP2 आएगा, स्क्वायर प्लेनर आएगा. बट आप ये देखिए कि कॉम्प्लेक्स जो है वो MA3B टाइप का है, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. MA3B टाइप कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ओनली वन स्पार्टियल अरेंजमेंट पॉसिबल है. सेकंड कंपाउंड की बात करें तो सेकंड कंपाउंड है वो है PtNH3Cl5 और ये नेगेटिव. इसके बाद तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं यदि फॉर्मूला उस टाइप का है. तो यहाँ हम बात करें तो फॉर्मूला है MaB5 टाइप का. तो यू नो कि MA6 टाइप, MaB5 टाइप भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. इसका मतलब सेकंड कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. नेक्स्ट देखते हैं हम सी कंपाउंड के बारे में देखें, तो सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है PtNH3 होल ट्वाइज Cl और ये NO2. ये कंपाउंड भी स्क्वायर प्लेनर है, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन है. फॉर्मूला जो कंपाउंड का वो बना है MA2 और ये BC. ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और इसके दो पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं. दो पॉसिबल आइसोमर कैसे बन सकते हैं कि AA एक बार आप सीस पे रखें, ये 90 बॉन्ड एंगल हो गया, तो इसका मतलब ये इसकी सिस फॉर्म हो गई. दूसरा आप AA को 180 पे रख दें, तो यहां ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया. मतलब ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनेंगे वो 2 बनेंगे. नेक्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है, जो डी दिया हुआ है वो दिया हुआ है PtNH3 4 Cl और Br. ये भी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में यहां जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है MA4 और BC टाइप. ये कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा. कैसे करेगा? आप ऑक्टाहाइड्रल जो दिया हुआ है, ऑक्टाहाइड्रल ये वाली शेप में होता है. यहां पे आप देखें दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड एंगल आ रहे हैं. आप BC को एक बार 180 पे रख सकते हो, BC को एक बार 90 पे रख सकते हो. तो यहां पे जैसे मैंने BC यहां रखा तो ये 180 हो गया. दूसरा जो पॉसिबल होगा वो BC मैंने 90 पे रख दिया, तो BC यहां 180 पे है तो ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया. और जब मैंने इनको 90 पे रख दिया तो इसका सिस फॉर्म हो गया. इसका मतलब ये कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है और इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन रहे हैं. हमें पूछा है दैट कैन डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ए और बी तो शो कर नहीं रहे, सी और डी शो कर रहे हैं. तो आंसर में जाएगा CND, दैट मीन सी और डी ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में. तो करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा. बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, द मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन. आपको रिएक्शन का सीक्वेंस दिया हुआ है और वहां पे बी पूछा है. तो एक तो ये वाला जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट का क्या फंक्शन है? रिएक्शन वेल नोन है, रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. उसके बाद डाइल्यूट H2SO4, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब होगा तो जो ए से जो ए जो प्रोडक्ट होगा वो एल्कोहल होगा. फिर एल्कोहल की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करवाई है हीट की प्रेजेंस में, तो यहां एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन से एल्कीन बनने वाला है. लेट्स सी, हम ऑप्शन को चेक करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं कि CH3C और ये CH3 का होल ट्वाइज डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3. तो हमें पता है कि ये रिएजेंट एक तरफ H सप्लाई करेगा, एक तरफ OH सप्लाई करेगा. OH यहां से आएगा और H यहां से आएगा. तो हम रिएक्शन की रेजियो सिलेक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय स्टेरिक फैक्टर,
स्टेरिक फैक्टर से रिएक्शन की रेडियो सिलेक्टिविटी कंट्रोल होती है, मतलब OH उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है। मैं फिर बोल रहा हूं, रिएक्शन की रेडियो सिलेक्टिविटी कंट्रोल होगी स्टेरिक हिंड्रेंस से, OH उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है। तो हम यहां देखें कि OH इस पे जा सकता है, इस पे जा सकता है, बट इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है क्योंकि एक इथाइल और एक हाइड्रोजन है, जबकि यहां पे मिथाइल और आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो लेस हिंडर्ड साइड OH ग्रुप जाएगा, तो CH3, ये CH और ये CH3, ये CH3, यहां H और यहां CH, OH और इधर CH2 CH3, तो फर्स्ट कंपाउंड ये बनेगा, ये कंपाउंड आपका A है। नेक्स्ट बात कर रहा है, हमें दिया हुआ है डाइल्यूट H2SO4, तो डाइल्यूट H2SO4 की मैंने अभी बताया आपको कि डाइल्यूट H2SO4 जो है वो एलिमिनेशन करेगा। सबसे पहले OH ग्रुप बाहर होगा, OH डायरेक्ट बाहर नहीं होगा, पहले ऑक्सोनियम केटाइन बने, ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद यहां से कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन बनने के बाद उसमें 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो मैंने दो फंक्शन एक साथ कर दिए यहां पे, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन एंड 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो फाइनली जो आपके पास जो आएगा यहां से वो आएगा ये पॉजिटिव, ये CH, ये CH3 और ये CH3, इधर आपके पास बना CH2 और ये CH2 CH3, उसके बाद H प्लस बाहर होगा, माइनस H प्लस, तो आपको वो H हटाना होता है जिससे स्टेबल एल्किन बनती है, तो यहां से ये H प्लस बाहर, और फाइनली आप ऑप्शन चेक करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन आएगा, दैट मींस करेक्ट आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि यहां पहले एल्कोहल बना है, एल्कोहल बनने के बाद डाइल्यूट H2SO4 एलिमिनेशन कर रहा है, और एलिमिनेशन जो हुआ है वो इवन रिएक्शन से हुआ है, कार्बोकेटाइन बना, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, उसके बाद यहां से H प्लस बाहर हुआ है, दैट मींस करेक्ट आंसर शुड बी फोर्थ, एंड फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो इस कंपाउंड को हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का है, और H प्लस जो है वो सबसे पहले अटैक यहां करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर बेसिक नेचर के हैं, तो यहां पे जो सबसे फर्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ये OH और ये पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड और ये CH3। ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहां पे आ जाएगा CH3 और ये OH और ये पॉजिटिव। नाउ अब हमें पता है कि H3O प्लस में OH माइनस अटैकिंग स्पीसीज है, तो OH माइनस यहां अटैक नहीं करेगी, क्योंकि कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक नेचर का है, तो हम इस कंपाउंड को बोल सकते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। वापस से क्लियर कर देता हूं मैं कि ये जैसे ही ये बन गया, ये कंपाउंड जो है वो ऑलरेडी एरोमेटिक हो चुका है, OH माइनस यहां अटैक नहीं कर पाएगा, तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है क्या, तो ऐसा ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, दैट मींस करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीजर टाइप डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल सी इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में कितने एटम एग्जिस्ट करेंगे कंपाउंड सी में, तो सबसे पहले रिएक्शन करनी पड़ेगी कि ए की रेड हॉट कॉपर ट्यूब में, तो ए क्या बोला है, ए बोला है लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट एल्काइन, लोवेस्ट एल्काइन, तो दो कार्बन की एल्काइन सबसे लोवेस्ट है, ये H, ये C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई है रेड हॉट कॉपर ट्यूब से, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से अगर रिएक्शन करवाई तो हमें पता है यहां ट्राइमराइजेशन होगा, और वेल नोन रिएक्शन है, रेड हॉट ऑफ कॉपर ट्यूब ले सकते हो या फिर आप आयरन ट्यूब ले सकते हो, ट्राइमराइजेशन होगा, 3 मोल इसके रिएक्ट करेंगे और जो फाइनल जो फर्स्ट प्रोडक्ट आएगा वो आएगा बेंजीन। देन उसके बाद रिएक्शन करवाई है CH3Cl, 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है आपको, रिएक्शन करवाई है AlCl3 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में, रिएक्शन यहां से वेल नोन रिएक्शन है ये भी कि रिएक्शन जो है ये जो रिएक्शन है वो है फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन, फ्रेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, Cl को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और रिंग पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, एग्जांपल है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, और यहां पे ये जुड़ जाएगा CH3, ये आपका कंपाउंड है C।
हमें ये पूछा गया है कि सी की एक ही प्लेन में कितने एटम होंगे. तो सी की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सी जो है वो बेंजीन है, सभी sp2 है, एक ही प्लेन में लाइज हो रहे हैं, एच यहां लगा हुआ है, एच यहां लगा हुआ है, ये एच, ये एच, ये कार्बन और ये एच. ये कार्बन sp3 है तो एक एच ऐसे आएगा और एक एच अबाउ द प्लेन और एक एच बिलो द प्लेन आएगा और बाकी यहां पे सब जगह डबल बोन लगा हुआ है. हमें पूछा कि कितने एटम एक ही प्लेन में है, तो आप देखो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, 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 इसके अलावा ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, बाकी सभी हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है. तो टोटल नंबर ऑफ एटम हमें कैलकुलेट करना है जो एक ही प्लेन में है. तो यहां देखते हैं कि 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 9, 10, 11, 12 है, 13. वापस से देख लें, जो मैंने सर्किल में लिए हैं वो सभी एटम एक ही प्लेन में है, तो दैट मींस करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 13. इंटीजर टाइप क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्सेज ML5 ऑफ मेटल ऑफ निकल एंड आयरन हैव आइडियल स्क्वायर पिरामिडल. ये बोल रहा है निकल के साथ आइडियल स्क्वायर पिरामिडल शेप है, आयरन के साथ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है. रेस्पेक्टिवली द सम ऑफ द नंबर ऑफ सम ऑफ द 19, 120 एंड 180 LML एंगल्स इन द टू कॉम्प्लेक्सेज इज. दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर पिरामिडल शेप की. तो यू नो स्क्वायर पिरामिडल जो शेप है वो M, ये L, ये L, ये L और ये L. और आपको ये बोला हुआ है कि ये जो स्क्वायर पिरामिडल है ये आइडियल ज्योमेट्री है. ये तो स्क्वायर पिरामिडल शेप हो गई. दूसरा बोला है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप जो होगी वो ये L, ये L और ये L और ये L और ये L. ये आपकी जो शेप है वो है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. इन दोनों में 90 के बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहां आप देखें इस लिगेंड के रेस्पेक्ट में ये एल एम एल 91 हो गया. मतलब एक यहां से देखिए एल एम एल एक 90 ये हो गया, एल एम एल एक ये हो गया, एल एम एल एक ये हो गया, एल एम एल एक ये हो गया. या इसको ऐसे समझें कि मेटल के चारों तरफ चार लिगेंड हैं, एक लिगेंड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और इस लिगेंड के रेस्पेक्ट में चारों लिगेंड कहाँ पे है, 90 पे. तो 90 एक तो ये आ गया. तो 4, 90 की बात करें तो 4 तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए. उसके अलावा इन चारों लिगेंड का आपस में जो बॉन्ड एंगल है वो भी 90 है. वो 90 कैसे है, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा. मतलब चार यहाँ से आ गए. मतलब इसमें टोटल जो 90 के बॉन्ड एंगल है वो इस कॉम्प्लेक्स में 8 है. अब बात करते हैं 120 की. तो यहां 120 का कोई बॉन्ड एंगल नहीं है. 180 की बात करें तो आप देखें ये लिगेंड मेटल लिगेंड ये 180 है, ये लिगेंड मेटल लिगेंड ये भी 180 है. तो इस कॉम्प्लेक्स में 180 के जो बॉन्ड एंगल है वो है 2. अब इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहां इस कॉम्प्लेक्स की बात करें 90 की बात करें तो वही ट्राइगोनल प्लेनर है. तो मेटल के पास एक लिगेंड यहां है, एक लिगेंड यहां है, एक लिगेंड यहां है और ये लिगेंड है. तो इस लिगेंड के रेस्पेक्ट में ये 90 पे है, ये 90 पे है, ये 90 पे है. तो तीन तो इस लिगेंड के रेस्पेक्ट में हो गए और तीन ही नीचे वाले लिगेंड के रेस्पेक्ट में हो गए. मतलब इस लिगेंड के रेस्पेक्ट में ये तीनों लिगेंड 90 पे है, इस लिगेंड के रेस्पेक्ट में ये तीनों लिगेंड 90 पे है. मतलब यहां 90 के जो बॉन्ड एंगल है वो 3+3 दैट मीन 6 आ गए. बात करते हैं 180 की. तो ये लिगेंड, ये मेटल और ये लिगेंड, ये 180 वाला जो बॉन्ड एंगल आएगा वो वन आएगा. अब करते हैं 120 की बात. तो 120 में ये तीनों ट्राइगोनल हमें बोला हुआ है कि ट्राइगोनल. तो ये लिगेंड, ये मेटल लिगेंड, ये 120 का है और इस बॉन्ड की बात करें तो ये भी 120 का है और ये वाला बॉन्ड भी 120 का है. मतलब 120 के जो बॉन्ड एंगल आ गए वो यहां से आ गए 3. तो अगर मैं टोटल 90 की बात करूं कि 90 बॉन्ड एंगल कितने हुए, तो 90 बॉन्ड एंगल की बात करें तो 90 की बॉन्ड एंगल 8 यहां से आए थे और 6 यहां से आ गए. 180 की बात करें तो 180 का बॉन्ड एंगल हो गया वो 1 हो गया. 120 की बात करें तो 120 का बॉन्ड एंगल हो गया 3 हो गया. तो 90 सबका सम पूछा है तो 90 के 14 हो गए, 180 का 1 हो गया और 120 का 3 हो गया. मतलब जो सम आएगा
वो आएगा 18. दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 18. आई होप आपने एंजॉय किया होगा प्रॉब्लम को, सभी को समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.